नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेशन में मैं तीन चीजें आपके सामने लेके हूँ। सबसे पहले, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस ने अपने आज चौथा जन्मदिन सेलिब्रेट किया है जो आपके सामने है। साथ ही साथ बात कहूँगी, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 से। 2015 में मैं भी आप ही की तरफ पढ़ती थी, मैं भी कोचिंग जाती थी, मुझे भी आज जैसे ही बनना था, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर जब उस समय मेरा आज मैंने लिखा, मैंने मेरा बहुत अच्छा हुआ था, पेपर मार्क्स भी अच्छे आए थे, बट हाँ मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई थी। तो फिर मुझे लगा कंटिन्यूटी कैसे रखी जाए। उस कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए एक सोचा ग्रुप डिस्कशन क्लास ओपन करते हैं। और ग्रुप डिस्कशन क्लास कब वो क्लासेस में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला, कब कार्य बढ़ता गया पता ही नहीं चला, और इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आप सब मेरे साथ थे। अब आती है 4 साल की कहानी। ये 4 साल संघर्ष में थे। सबकी जिंदगी में संघर्ष होते हैं, बस संघर्ष को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो संघर्ष अच्छा लगता है। और कई बार संघर्ष इतने अच्छे होते हैं ना कि मजा आता है, क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब तक लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा, लाइफ में आपके पास टास्क नहीं होगा, लाइफ में आपके पास रुकावटें नहीं होगी, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन रुकावटों को दूर कैसे करना है? डेडिकेशन। सुबह से लेकर शाम तक मेरी जर्नी कुछ इस तरह से है। तो 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ के उसके बाद अपनी स्टडी करना, नोट्स प्रिपेयर करना, आज मुझे क्या पढ़ना है या मुझे आज क्या अपडेट करना है, ये मेरा हमेशा रहता है। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट बनके हमेशा पढ़ती हूँ और स्टूडेंट बनके पढ़ती हूँ। मैं हमेशा अपने आपको अपडेट रखती हूँ। जब भी कोई स्टेट का पेपर होता है, मैं सबसे पहले उस पेपर को देखती हूँ ताकि मुझे पढ़ाने में आप लोगों को क्या क्या देना है। यानी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मॉर्निंग 3 बजे। अब आप कहेंगे मॉर्निंग 3 कब होती है, तो 4 होती है ना। अब मेरे जब मुझे लगता है नींद में से उठ गए, वो मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है। फिर 3 से लेके जब अपना रहता है, उसके बाद मेरा कोचिंग था जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, तो मैं आ जाती थी यहाँ पे 7:30 आती थी। ऐसे करके पूरे दिन मेरी क्लासेस चलती थी। मैं 2 स्टूडेंट को भी पढ़ाती थी, 4 को भी पढ़ाती थी, छोटे छोटे बहुत सारे बैचेस चलते थे और पूरे दिन मैं अपने आप को बिजी रखती थी। करते करते 2017 आया। 2017 में RJS की आई थी। 2017 में 35 सीट्स, उसमें मेरे यहाँ से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। उस समय तक मैं RJS और MPJS दो ही पढ़ाती थी। फिर 2017 से थोड़ा और जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। 2018 आया। 2018 जब आया तो मेरे पास थोड़े से स्टूडेंट भी बढ़ गए, क्योंकि रिजल्ट होगा तो लोग आपके पास आएंगे। यानी स्ट्रगल देखो किया, हर रोज कुछ नया करने की कोशिश रखी। करते करते 18 आया 2018। देन 2018 में एक मौका मिला मुझे, दिसंबर 24 कि मैं यूट्यूब पे आई। यानी 2016 से मैंने क्लासेस स्टार्ट की और 2018 में मैं यूट्यूब पे आई। और यूट्यूब पे आने से लोग और जानने लगे। यूट्यूब पे मैंने महाराष्ट्र का रेन कंट्रोल पढ़ाया तो एक कॉन्फिडेंट आया कि यस मैं सब पढ़ा सकती हूँ। और धीरे 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 कारोबार बढ़ता गया। और देखते देखते आज यूट्यूब को 2 साल हो गए। इसी दौरान 2020 की बात है, जब 2019 का बहुत बड़ा रिजल्ट आया था मेरे यहाँ पे, जब RJS में 38 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। नो डाउट वो 38 पूरे मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, उसमें रेगुलर स्टूडेंट भी थे, टेस्ट लिस्ट के स्टूडेंट भी थे, उसके अंदर मॉक टेस्ट के स्टूडेंट भी थे और मॉक इंटरव्यू के भी थे। क्योंकि आपको जैसे पता है कि रेगुलर क्लासेस भी चलती है, टेस्ट सीरीज भी चलती है, मॉक टेस्ट भी चलता है और इंटरव्यू भी चलता है। और इंटरव्यू ऑनलाइन भी हुए थे हमारे, ऑफलाइन भी हुए थे। कुछ बच्चों ने यहाँ के इंटरव्यू दिया तो कुछ ने अपने घर बैठ के दिया। लेकिन मेरा 15 दिन का उनके साथ साथ था, यानी 15 डेज तक मैंने उनके साथ बैठ के काम किया था। तो ऐसे करते करते 2019 के अंदर मेरा अच्छा रिजल्ट था। फिर आया 2020, तो फिर मुझे लगा चलो कुछ अब नया करते हैं। तो 2020 जनवरी में मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। नो डाउट कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आई, नए नए नेटवर्क्स भी मैंने लगाने शुरू किए, कई बार सेटअप की प्रॉब्लम आई क्योंकि प्रॉपर सेटअप नहीं था, तो थोड़ी समस्या आती गई। लेकिन मैं उस समस्याओं को हमेशा एक्सेप्ट करते, एंजॉय करते मैं आगे बढ़ती गई। और करते 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 आज यूनिक्लो क्लासेस में ऑफलाइन की 4 साल पूरे हो गए और ऑनलाइन के 2 साल पूरे हो गए। और रेगुलर क्लासेस जो हमारी ऑनलाइन, क्योंकि यूट्यूब पे 2 साल हो गए मेरे, बट जो रेगुलर क्लासेस है मेरी ऑनलाइन पे जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई। और अब कितने हो गए, 11 महीने, 11 महीने चल रहा है मेरे ऑनलाइन क्लासेस का। कई बार बच्चों को एक डाउट होता है कि क्या मैम कोरोना खत्म हो जाएगा तो आप ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे? बेटा जब कोरोना मार्च में आया था, मेरी ऑनलाइन तो जनवरी से चल रही है, तो ये चल रही थी, चल रही है, चलती रही। अब आता सेकेंड बात, क्लासेस का टाइम। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पहली क्लास सुबह 5:30 स्टार्ट हो जाती है ADJ वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो सीनियर्स होते, बाकी टाइम नहीं मिलता। मैंने 5:30 क्यों स्टार्ट किया, मैंने अक्सर CA CS के स्टूडेंट को देखा, वो सुबह से ट्यूशन जाते हैं और उनकी क्वालिटी देखी। वो दिन भर कोचिंग 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 अपने आप की कंटिन्यू रखते हैं। कई बार हमें लगता है हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमारी सिटिंग पार नहीं होती। अब देखिए CA CS वालों की सिटिंग पार कितनी अच्छी होती है, उनका एक ही टारगेट है। और मैंने देखिए CA CS के जो ट्यूशन है सुबह 5:30 स्टार्ट हो जाते हैं,
तो मैंने कहा जब वो स्टार्ट कर सकते तो मैं क्यों नहीं, और ये सोच के मैंने किया। और मुझे शुरू से पता था कि जो एडीजी के एग्जाम देने आएंगे वो सीनियर होंगे, उनके पास उनकी कोर्ट की वकालत होंगी, उनका घर परिवार होगा, उनके पास बाकी समय नहीं होगा, तो मैंने वो रखा। उसके बाद मेरा सेकंड बेस्ट शुरू हो जाता था 7:30 से लेकर 10:30 तक, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंड ज्यादा है तो हमने उसके टाइम को भी चेंज किया। फिर वापस दोपहर में हमारी ऑफलाइन क्लास अभी कोरोना की वजह से बंद है, फिर वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर इवनिंग में हमारी क्लास, और लास्ट मेरी क्लास होती है 7:30 से 8:30 इवनिंग में ग्रामर की। पहले डेढ़ महीना हमारे हिंदी ग्रामर चलता है और देन डेढ़ महीना इंग्लिश ग्रामर, ये ग्रामर मैं आरजीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ। अब इन सब में संघर्ष की कहानी, हम सबकी जिंदगी, चाहे मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, चाहे आप घर में बैठे हो, हम सबकी जिंदगी में कहते ना कि इंडिया में क्या होता है, पैर खींचने वाले बहुत होते हैं, सबके साथ होते, मेरे साथ होता, आपके साथ होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको उनको चेंज करना है। देखो जब भी कोई आपको टॉर्चर करे, जब भी कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, जब भी कोई आपसे ये कहे तुझसे ना हो पाएगा, उसी समय था लेना कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। बट करना कैसे है, साइलेंट रहकर कैसे करना है पता नहीं, कानों कान खबर नहीं होने देनी आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। आप पहले आराम से उसको करो, जब हो जाए तब बताओ। अब आपको कि नहीं मैम पॉसिबल नहीं है, मैं डेडिकेशन कैसे लेके आऊँ, सिंपल आपकी जिंदगी का आपके डेडिकेशन आपके सामने है, आपके मम्मी पापा उनको देख लो, जब भी जिंदगी में परेशानी उनको देख लो, यार नहीं इनको कुछ नाम देना है, इनके लिए कुछ करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा कि आपको किसने खींचा। मेरी मम्मी अंगूठा छाप है, यानी मेरी मम्मी स्कूल नहीं गई, मम्मी की लाइफ में कुछ थी, 6 भाई बहन थे तो मम्मी स्कूल गई, हालांकि मम्मी के पापा ने उनको स्कूल भेजा भी था, लेकिन होता ना कई बार उस जमाने में ठीक है, मैं मम्मी अपनी मम्मी के साथ काम करने बिजी हो गई और मेरी मम्मी ने नाम भी नहीं लिखना सीखा। हमने भी कई बार मम्मी को नाम लिखना सिखाया, कई बार ट्राई की, बट वो नहीं करना, वो उनको लगा मेरे को घर का काम बहुत अच्छा करते। हाँ घर का तो काम इतना बखूबी करता है आप सोच नहीं सकते, क्यों उनको सब आता है, वो चाहे स्कूल गए नहीं है वो साउथ इंडियन भी बना लेंगे, वो इंडियन भी बना लेंगे, है ना, वो सब चीज बना सकते हैं, लेकिन पढ़ने में फिर वो हमेशा रही पीछे। लेकिन वो मम्मी जिन्होंने खुद कभी स्कूल नहीं देखी, अपने 6 बच्चों को बखूबी पढ़ाया उन्होंने, और उनकी एक ही क्वालिटी, उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ने के लिए इतना टाइम दिया, कभी घर में काम नहीं करवाया हमसे। यानी सबसे बड़ी बात क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी कभी नहीं कराया। नो हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं था, हम रखे भी नहीं कभी सर्वेंट, और ना कभी आदत थी, गांव वालों को तो आदत ही नहीं होती कि सर्वेंट रखने की, तो सारा काम मम्मी करते थे। और हमारे गांव की एक सिस्टम होता है कि हम गांव वाले 4 बजे उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं, जबकि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए आपकी कई बार स्टडी ढंग से नहीं हो पाती है। तो मम्मी ने मुझे वो सपोर्ट किया, तो मुझे लगा मम्मी के लिए कुछ करना है। मेरी मम्मी तो आज भी कहती है तेरी नौकरी कब लगेगी, क्योंकि होता ना गवर्नमेंट जॉब सेफ होती है, और मम्मी बिल्कुल सही है, क्योंकि मम्मी फ्यूचर सोचती है, आज हमारे पास हाथ पैर चल रहे तब तक हम काम कर पाएंगे, और कल हाथ पैर नहीं चलेंगे तो प्राइवेट सेक्टर कब तक आप चलाएंगे, तो उनका रहता है। देन आता है फादर की बात, पापा, पापा का भरोसा इतना था, जो मेरे पापा का भरोसा मुझ पर है ना, वही सबके पापा का भरोसा आप पर है, यानी आपके पापा पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना मेरे, क्योंकि पापा तो पापा होते हैं और उनका भरोसा ही है जो आज आप सब लोगों को जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो जब भी आपको कोई खींचे, मम्मी पापा को याद करो, पापा के भरोसे ने यहाँ पहुंचाया है। अपन हमेशा कहते ना कि मैं वो दिन लेकर आए जब लोग मेरे पापा को मेरे नाम से जाने, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमें हमारे पापा के नाम से ही जाने, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाने, नाम तो उनसे हमें मिला ना, लेकिन हाँ हम कुछ ऐसा करें कि लोग ये कहे आपके पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, आपकी मदर ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, यानी हमें ये चाहना है कि लोग मेरे मम्मी पापा की तारीफ ये करें कि कितना प्यारा बच्चा बनाया उन्होंने, और वो कब पॉसिबल होगा वो हम ही कर पाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो हम उनके सुनते ही नहीं, वो कितना हमें समझाते हैं हमें बहुत चिड़ होती है, वो कुछ कह लेते तो हमारा मुंह चढ़ जाता है, वो आपको पढ़ने के लिए कह लेते आपका दिमाग खराब हो जाता है, क्यों जब भी आपके हाथ में मोबाइल होता है उनका देखना होता है, और सबसे अच्छी डांट यही पड़ती है, वो कहते पढ़ती तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं, वो गलत नहीं कह रहे ना, क्योंकि हम हमारे मोबाइल से इतने पास में आ गए हैं कि हम अपनों से दूर हो गए हैं, तो आपको खुद को ही पता है, और आपको पता आपके फ्रेंड्स आपके लिए ज्यादा दिन साथ नहीं दे पाएंगे। आज आपके साथ है क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे आपके पास सोर्सेज कम हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है क्या आपको आपका फोन प्यारा है या मदर फादर। और मदर फादर के जैसे पास चले जाओगे तो आपके पास प्लस पॉइंट क्या होगा, जो आपको पीछे कर रहे हैं वो आपको कभी एहसास ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपको आगे बढ़ाने वाले ऑलरेडी आपके साथ है। तो जब भी आप डीमोटिवेटेड होते लाइफ में, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, आप में से कुछ बच्चे एक बहुत माइनस गलती करते हैं, बहुत माइनस पॉइंट है जो कि जैसे आप डीमोटिवेट होते हैं आप यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों के लेक्चर सुनते हैं कि शायद इसके लेक्चर से वो मोटिवेट हो जाओगे, नहीं उनके लेक्चर से मोटिवेट नहीं होने वाले हो, मोटिवेशन चाहिए मम्मी पापा के पास जाके बैठो, वो जब अपनी कहानी सुनाएंगे कि वो यहां से यहां तक कैसे, उससे बेस्ट मोटिवेशन नहीं है जिंदगी में। यदि आपके पास आपके घर में भाई बहन है उनसे उनकी कहानियां सुनो, यदि आपके घर में कोई सक्सेस है आपके मम्मी पापा दादी दादा चाचा चाची उनकी कहानी सुनो, यूट्यूब वाले मोटिवेशन कभी काम नहीं आने वाले, और ना हम यूट्यूब वाले आपकी हेल्प करने वाले हैं,
क्या हेल्प करेंगे हम, टाइम है हमारे पास, तो उनके पास भाग जाओ। फिर आता आपके पास एक और कि मैम जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है, सबका जाता है, मेरा भी जाता है, सबका जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग हैं, दिमाग तो जाएगा उधर उधर। उस दौरान क्या करना है, उस दौरान अपने लिए एक डेडिकेशन लाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मॉर्निंग के 4 आवर मुझे पढ़ना है, इवनिंग का 4 आवर मुझे पढ़ना है, इस 4 घंटे में मैं सिर्फ बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब नहीं होगी पढ़ाई, दिमाग नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर को वो भी पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। अब सिर्फ जो आपके एग्जाम रिलेटेड चीजें रखो। अब आप में से तो कोई कहानी पढ़ने बैठ जाए, किसी ज्ञाता की बड़ी बड़ी बातें पढ़ ले, और वो ज्ञाता बना कैसे, उसको भी टाइम लगा होगा ना। तो आप अपने पास एक न्यूज़पेपर रखो, जैसे ही आप अपनी किताब से भटकते हो अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपके टेबल पर जो आपका कोर्स है वही बुक होनी चाहिए। हमें बड़े बड़े महात्माओं की किताबें नहीं पढ़नी है, हमें इस लायक बनना है कि एक दिन आपकी भी स्टोरी उस किताब में छपे, हमें नहीं पढ़नी, हमें वो बनना है, और वो बनने के लिए उनकी किताबें काम नहीं आएंगी, वो बनने के लिए आपकी खुद की बुक्स काम आएगी। आपके टेबल पर हमेशा आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कोशिश करें कि आपके सिलेबस की हर बुक आपके पास दो, एक आप जिस रूम में पढ़ रहे हो, एक कहीं पर भी रखी हुई जो कि चलते फिरते भी आपने ले ली। जैसे भटके मन नहीं लगा न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंटरेस्टिंग, वापस अपने टारगेट पे आ जाओ, और टारगेट रखो कि मैं 4 घंटे सीटिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटिंग पर बढ़ाना है। कई लोग हैं कि घंटे मत देखो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता ना कि आप तो घंटे क्या मिनटों में भी नहीं पढ़ते, उनको ये भी तो नहीं पता कि वो सीटिंग पर नहीं है, लेकिन वो 4 घंटे मजबूरी है, बैठना ही पड़ेगा। देखिए जब कभी किसी बंदे को कमरे में कैद कर दिया जाता है, उसके पास मोबाइल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, वो बंदा कमरे में बैठे बैठे क्या करेगा, कितनी देर कहानियां सुनेगा, आखिर वो बोलेगा राम 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 या ओम नमः शिवाय या जो भी उसके भगवान है उसका नाम ऑटोमेटिक लेगा। और मैं ऐसे आपसे कहता हूँ भगवान का नाम लोग लेंगे, कभी नहीं लेंगे, लेकिन जब आपके पास सारे सोर्सेस खत्म हो जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटे आप थोड़ी देर इमेजिन करोगे मैं ये होता, मैं ये कर लेता, मैं ये तो उड़ जाता, ये वो, लेकिन पूरे 24 घंटे कैसे करोगे। द एंड ऑफ आप अपने प्रभु का नाम लेंगे, और एट द टाइम आपका प्रभु आपकी किताबें हैं, एट द टाइम आपका प्रभु आपके सपने हैं, एट द टाइम आपका भगवान आपका आरजेएस या जुडिशरी का पोस्ट है, आप जिस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, खुद से चीजें होगी। वो 4 घंटे जब आपके पास आपका मोबाइल नहीं होगा, वो 4 घंटे आपके पास कोई कहानी की किताब नहीं होगी, वो 4 घंटा बैठ के करोगे क्या, क्योंकि नींद तो लेनी नहीं, ब्रेक तो सिर्फ 30 मिनट का है, तो बाकी 3.5 घंटे क्या करोगे आप, आधा घंटा टाइम पास करोगे, मेरी गारंटी आप 3 घंटे पढ़ोगे। और जब पढ़ने लगे आप खुद भी कहोगे यार इतना अच्छा है, मजा आता पढ़ने में। एक बार अगर एक महीना आपने ये कर लिया तो अगले महीने आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप कहेंगे भैया समय नहीं है मेरे पास, ये 4 8 घंटे तो मैं आपसे मिल ही नहीं सकती, इस 8 घंटे मैं आपसे बात ही नहीं कर सकती, अपना आपकी गाड़ी स्ट्रेट बैठ जाएगी। जैसे आप गाड़ी पे चढ़ जाओगे उसके बाद क्या, गाड़ी रवाना हो गई, गाड़ी रवाना होने के बाद गाड़ी रुकती नहीं, ट्रेन रुकती कभी, रवाना हो गई, अब चाहे उसके आगे हाथी आके खड़ा हो जाए, चाहे गाय आके खड़ी हो जाए, चाहे इंसान खड़ा हो जाए, ट्रेन उसके ऊपर से निकलेगी। बस यही आपकी जिंदगी है, बस आपको ये मोटिवेशन लाना है मुझे करना है। अब आता तीसरी बात, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहते हैं आजकल तो बहुत मोटी हो गई, तुम कुछ ज्यादा पतली नहीं हो गई हो, मतलब जो कुपोषण के शिकार हो, तुम्हारा कलर तो अजीब है ना, तुम बिल्कुल काली सी हो, तुम एकदम गोरी सी हो। देखिए भाई, हम या तो मोटे या पतले दोनों में से एक होंगे, हम काले या गोरे में से एक होंगे। फिर तीसरा, अभी तक शादी नहीं की, कब करेगी शादी, शादी कर ली अभी तक बच्चे पैदा नहीं, कब करेगी, लड़का है अभी तक पढ़ रहा है, शादी नहीं की, नौकरी नहीं करा, कब करेगा। ये आपकी जिंदगी में रोज आता है, और ये आपके पास नहीं आपके पेरेंट्स के पास आता है। तो एक बार अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके देखना, जब मैंने की थी, मेरे पापा से एक का पापा शादी तो मुझे करनी है, 5 भाई बहनों की आपने की, मैं भी करूंगी, अगर मैं कुछ डिफरेंट कर लूँ तो क्या दिक्कत है, पापा ने कहा करो कोई दिक्कत नहीं। जब लोग पापा को कहते थे शादी, पापा कहते आप खाना डाल रहे हो, आप चला रहे हो मेरी बेटी को, तो आपको क्यों तकलीफ है, जब मुझे ठीक लगेगा मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगी, की है ना, मेरी शादी हो चुकी है 2017 में, मैंने शादी कर ली, सब होता है, मैम की शादी भी हो गई, बच्चे, आपकी जिंदगी में सब होगा, लेकिन उससे पहले अपना सपना तो पूरा कर। तो पापा से अगर रिक्वेस्ट करो, और जिस दिन पापा ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया आपके लिए, आप डबल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो आज जब ये समय मिले एक बार पापा से रिक्वेस्ट करना, पापा नेक्स्ट टाइम कोई आपसे ये कहे तो एक बार मुझ पर भरोसा करके कह देना कर लेंगे शादी, आप चिंता ना करें। पापा का एक लाइन आपकी जिंदगी का डबल मोटिवेशन होगा, और उस दिन मैं कहता हूँ आप सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता है, लोग मम्मी को सुना रहे, लोग पापा को सुना रहे, बिल्कुल वो सुनाएंगे, लोगों का तो काम है। और यही लोग आज मेरे पापा कहते हैं यार आपने बहुत हिम्मत रखी, आज आपकी बेटी देखो कितना अच्छा काम करती, यही तो वो लोग थे जिन्होंने कहा कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। इवन तो मेरी लाइफ से इतनी डिफरेंट थी कि मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर की शादी पहले करी, आप सोचिए इतना सुनने को मिला होगा। मेरी छोटी को पापा ने कहा क्या करें, मैंने कहा इसकी शादी कराओ, इस बच्ची को क्यों रखना है, इसकी उसको नहीं करना, जबकि उसने LLB कर रखी है, उसने DCLL कर रखी है, DCLFC कर रखा है,
ठीक है, उसने क्या बोलते पीजीटीसी कर रखा है, उसने शॉर्ट हैंड के अंदर इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कर रखा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट वो कहता ना नहीं पढ़ना, ठीक है वो अपनी लाइफ में खुश है, तो ये बैठा ही नहीं, सिर्फ पापा का भरोसा। और पापा ने जब लोगों को जवाब दिया तो आपको पापा को रिक्वेस्ट करनी, और मैं आप सभी पापाओं से भी निवेदन करती हूँ, माना कि आपकी बहन, आपके भाई, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई, आपके रिश्तेदार आपको सुनाई, चाहे आप पिता, आप चाहे बेटे के पिता हो, चाहे बेटी के पिता हो, आपको लोग सुनाएंगे, थोड़ा सा भरोसा अपने बच्चों पे करो ना, पैदा था आपने किया है और आप हैं तभी तो हम हैं, नहीं तो हम कहाँ से आते। एक साल मौका दो उसको, हाँ उसको ये कहो कि बेटा आपके पास एक साल का मौका है, एटलीस्ट वो बच्चा एक साल फ्री हो जाएगा और फ्री होकर आराम से पढ़ेगा, और मैं कहता हूँ आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा। रीजन, जब उसके ऊपर सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे, और स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे तो उसकी जिंदगी में क्या बचेगा, उसकी मंजिल, तो वो कॉपरेट आपको करना पड़ेगा। और साथ ही बच्चों से निवेदन करूंगी कि जब माता पिता आपके साथ ही कॉपरेट करने के लिए तैयार है तो आपका कॉपरेशन होना चाहिए ऑनेस्ट, जो मैंने दिखाई कि भैया जब पापा ने भरोसा कर लिया तो मेरे मोबाइल से कोई लेना देना नहीं। जब 2015 में मैं पढ़ाई करती थी उस समय मैं भी जॉब करती थी, 2010 से 14 तक मैं बहुत काम करती थी, अचानक से पढ़ा मैं अपने मोबाइल को अंदर रखती थी, मेरे पास भी दो मोबाइल थे, दो नंबर थे, क्योंकि काम करती थी, एडवोकेट है, सौ काम करते हैं अपन, है ना, अंदर रख लेती थी उसे पढ़ना, क्योंकि जब उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया तो अब समय मेरा था, तो अपने मोबाइल से दूरी बनाई, अपने दोस्तों से भैया नमस्ते, क्यों आफ्टर जुडिशियरी आप भी तो अपने दोस्तों से वैसे नमस्ते करने वाले हो, एक दो आपका फ्रेंड होगा बाकी तो नया भी बन जाएगा, तो उनको अभी से आपको नमस्ते करना पड़ेगा, और करने के साथ ही आपको हर दिन अपना रिजल्ट देना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, घर में तीन चार्ट बना के लगाओ, पहला चार्ट आज मेरा टारगेट क्या है, दूसरा चार्ट आज मैंने क्या क्या किया, और तीसरा चार्ट आज मैंने क्या गलतियां की। मैं मानती हूँ ये चीजें लॉन्ग टर्म नहीं चलती है, बट जैसे ही भूल जाओ मम्मी पापा का चला देगा, खुद से याद आ जाएगा, खुद से करोगे। आप आइए मेरे घर पे कभी बताएंगे आपको, मेरे पास 20 रजिस्टर भरे हुए लिख लिख के याद करने की आदत थी, और वो ऐसा लिखती थी शॉर्ट में, कोई बहुत लॉन्ग नहीं लिखती थी, लेकिन अपने लिए अपना डेडिकेशन आज मैंने ये किया है। मतलब आप सोचे मुझे क्यों 45 सब्जेक्ट याद है और क्यों मुझे दूसरे स्टेट के भी याद है, क्योंकि शुरू से एक आदत है, मैं लिख लिख के करती हूँ, मैं पूरे नोट्स बनाती हूँ, और आपको अपने आप को रखने के लिए करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और जब आप अपनी गलतियों को लिखो, कोई बात नहीं, पापा आपके फ्रेंड है, मम्मी आपकी फ्रेंड है, अगर पापा से अच्छी ट्यूनिंग है, पापा को देखो पापा आज मैंने यही गलती की, पापा कल मुझे याद दिला देना। मुझे याद है 2016 की बात है, जब मैं आरजेएस मेन की प्रिपरेशन कर रही थी, इंग्लिश ऐसे राइटिंग नहीं आता, अब अगली सीख लिया, नहीं आता था उसमें, और मैं पढ़ रही थी तो पापा को टेंशन था, 2015 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2016 में यही था कि इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर, और मेरे पापा 10 से ज्यादा नहीं पढ़ पाए, उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी वो नहीं कर पाए आगे, तो मैं जब पढ़ रही थी तो पापा एकदम से रूम में आए और उन्होंने रजिस्टर लिया, पूछा, मैंने बताया तो एक मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, तो पापा ठीक किया, और मैं उस दिन सरप्राइज हुई, वाह मेरे पापा को इतना आता है, हमारे पापा को सब आता है बट हमें अपने पापा पे भरोसा ही नहीं है, हमें लगता हम ज्यादा होशियार, आप तो पढ़े भी नहीं। उस दिन मैं इतना खुश हुई, मेरे पापा को इतनी इंग्लिश आती है, क्योंकि कभी कभी काम ही नहीं पड़ा ना, हम छह भाई बने थे, टाइम ही नहीं मिला, ठीक है मुझे ज्यादा पढ़ाया तो पापा का थोड़ा अटैचमेंट मुझसे ज्यादा हो गया, तो उनको पता चला क्या पढ़ रही है, उनका भी सपना था आरजेएस बनने का, उनका भी इच्छा थी कि जज बने, आज वो बहुत खुश है कि उनकी बेटी जज बना रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मदर फादर का हमेशा रहता है कि द एंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इस कोरोना ने सिखाया कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वो सेफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। तो आप पापा को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, मम्मी आज मैंने ये गलतियां की, आप ना कल मेरा ध्यान रखना, मैं ये गलती ना कर पाऊँ, क्योंकि कोई तो चाहिए आपको सपोर्ट, क्योंकि अकेले तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अकेले आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एकदम पागल हो जाओगे, आपको दो मतलब हजारों चीजें देखिए कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मम्मी पापा को साथ रखो। मेरे साथ आज भी कुछ होता है, कुछ भी रहता है, मैं सीधा पापा को फोन करती हूँ, पापा ऐसा, पापा जैसा हुआ, पापा जैसा हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि वो पापा है, वो सब समझते हैं, और वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, ये बात तो ये कर लेना। मैं मेरी क्लास की बात करूँ, मैं झूम में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, अगर कोई बच्चा है थोड़ी सी प्रेम्बल गलती कर लेता है, कोई सेक्शन ही बोलता है, मैं उसको क्या कहती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से करना, मैं उस दिन डांटती हूँ, तुझसे ये नहीं आता, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो कहता है तो अपने से कुछ होना ही नहीं, मुझे तुम्हारा क्लास ही नहीं आएगा, लेकिन उसको ये कहा कल तुझसे पूछूंगी, तो कल करके आना, और तुझसे हो जाएगा, वो पूरा दिन लगा लेगा अपना। तो वही चीज उनकी है, अपने को दोस्तों से नहीं मतलब रखना है, नहीं उनको कहना आज मैंने कितनी पढ़ाई किया मुझसे नहीं हुई, तो ये सब चीजें आपकी जिंदगी में खुद आपकी अपनी मंजिल तक ले जाएगी। इसलिए मम्मी पापा जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपके भाई बहन जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, उनको साथ लेके चलो। मेरे मम्मी पापा का मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा है, क्योंकि कहीं ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन पापा साथ में नहीं है, कहीं ऐसे हैं जिनके पास आज मम्मी साथ में है, लेकिन मम्मी पापा की जगह आपने किसी और को तो दी होगी जगह, वो तो आपके साथ होगा, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, और फिर भी वो तो ऊपर बैठ के भी अपने साथ जिंदगी भर है ना, वो तो रहेंगे ना अपने साथ, और जो चीज़ें इस संसार की है जो हम रोक नहीं सकते उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो जिनके पास नहीं है वो निराश ना हो, उनके पास वो ऊपर बैठ के सब सुन रहे हैं, आप उनको आँख बंद कर ही बता दो कि आज मैंने ये क्या मुझे ये करा, खुद से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद को ही अपनी हिम्मत बनना पड़ेगा,
कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और आज कलयुग का जमाने में कोई किसी का नहीं है, ये आपको भी पता है ये मुझे भी पता है, लेकिन हम अपने तो हैं, हमारी चीज़ें तो हमारे साथ हैं, उसको साथ लेकर आपको आगे बढ़ना है। आज मुझे पता बहुत डांटा मैंने, बहुत अजीब अजीब बातें की आपको, थोड़ा सा रोना भी आएगा, थोड़ा सा दुखी भी होंगे, बट द एंड ऑफ एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा, जुडिशरी जुडिशरी जुडिशरी, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा जिंदगी की सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो चार चार बार जुडिशरी दे चुके हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहे, रोए जा रहे, उम्र 30 साल हो गई, 31 साल हो गई, नहीं सेलेक्ट हो रहे, फाइनली सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के एक साल के अंदर आपको आपका पार्टनर भी आप ही की जॉब का मिल रहा है, आपकी शादी हो रही है, यानी जो आपने 5 साल जो दुख देखे वो एक साल में सब कुछ खत्म, पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा मेरे साथ। तो ठीक है, थोड़ा समय है, थोड़ा क्रिटिकल समय है, दुखी होते पर इग्नोर, खुश होकर उनको आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल दुख होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट चलाना इतना आसान है? मेरा जी जानता है कितने स्ट्रगल आते हैं इंस्टीट्यूट में, कितना सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी एंजॉय करते रहती हूँ। आज बच्चा नाराज होकर हंस के वापस बात कर लेती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि माँ बन के रहती हूँ, माँ कभी नाराज नहीं होती है, माँ को नाराज होने का हक भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने माँ को इसलिए तो बनाया कि उसको तो कभी नाराज होना ही नहीं, वो तो कुछ भी सुनाएगा तभी दूसरे दिन बात करेगी। कई बार बच्चों को लगता है यार हमारी मैम गजब है, क्योंकि ये कुछ बोल होता ही नहीं, माइंड ही नहीं होता, तो माँ को क्या फर्क पड़ता है? माँ के लिए तो बच्चे हैं, आज सुना दिया कल वापस अपने हो जाएंगे, और अपनों से कोई झगड़े थोड़ी होते हैं, एंजॉय करती हूँ मैं तो, सच्चे एंजॉय करती हूँ। क्या क्या नहीं सुनाते हैं, बहुत सुनाते हैं, मेरी वीडियोस देखो आप खुद भी कहेंगे क्या है, तो मुझे लगता कोई बात नहीं, मैं रिप्लाई इसलिए करती हूँ कि शायद मेरे रिप्लाई से उनको कुछ फायदा हो जाए। इन सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, स्ट्रगल सबके पास है, हमेशा रहेंगे, उनका वेलकम करें और वेलकम करते हुए आगे एंजॉय करें। कुछ ज़्यादा बोला तो सॉरी, क्योंकि हो सकता मेरी बातें चुभने वाली थी, सच्चाई कड़वी होती है, तो मेरा उद्देश्य आप में से किसी को हर्ट करना नहीं था, बस जो प्रॉब्लम है सबके साथ उसी को ठीक करना था। आज के लिए धन्यवाद, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि मैंने यूनिक लो क्लासेस के साथ 4 साल निकाले, और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से।